हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मेरा वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि 1.5 साल के बच्चे को आप क्या क्या सिखा सकते हैं घर पे, क्या क्या उनको करना आ सकता है, तो इस बारे में हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज़, आप उनको डिसिप्लिन सिखा सकते हैं। डिसिप्लिन यानी कि जैसे नीचे का उठा के नहीं खाना है, अगर कुछ चीज़ आप उनको बोलते हैं कि डस्टबिन में फेंक दो तो वो उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं, अपना डायपर उठा के डस्टबिन में फेंकना, इस तरह की चीज़ें आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। थ्रो इट इन डस्टबिन, थ्रो इट इन डस्टबिन, यस, थ्रो इट इन डस्टबिन, 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 यस, वेरी। दूसरी जो चीज़ है वो आप कर सकते हैं कि बच्चा आपका इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे, यानी कि आप उनको जो भी बोलते हैं तो बिकॉज 1.5 साल का बच्चा बहुत ज़्यादा बोलता तो नहीं है, लेकिन समझता बहुत कुछ है, वो धीरे धीरे करके आपके इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो करने लगेगा। टेडी लेके आओ, टेडी लेके आओ, टेडी लेके आओ, टेडी लेके आओ, यस, थैंक। कि आप उनको कुछ लाने के लिए अगर बोलते हैं तो वो आपको ला कर देंगे, तो इस तरह की चीज़ें आप उनको सिखा सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आप उनको सिखा सकते हैं वो है खुद से खाना खाना। बहुत अच्छे से बच्चे नहीं खा पाते हैं, ऑब्वियसली वो गिराएंगे, गंदा भी करेंगे, लेकिन उनको धीरे धीरे करके हैबिट हो जाएगा, उनको आ जाएगा खाने के लिए। तो आप उनको पहले अगर वो हाथ से खाना चाहते हैं तो आप उनको एक्सप्लोर करने के लिए दे सकते हैं। बच्चे जो खाना खाने में प्रॉब्लम करते हैं, जो फसी ईटर हो जाते हैं, तो वो 1.5 साल की उम्र से ही स्टार्ट होता है ये प्रॉब्लम होना। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए आप बच्चों को खुद से खाना खिलाना शुरू कर दीजिए। इस पे मेरा एक पूरा वीडियो भी है कि बच्चे क्यों खाना नहीं खाते हैं, उसमें से ये एक टिप था कि बच्चे को खुद से खाने दीजिए, खुद से एक्सप्लोर करने दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हमें समझ में नहीं आता है, हमें लगता है कि बच्चा गंदा करेगा, बच्चा खाएगा नहीं। तो आप 2 स्पून लेके बैठिए, एक स्पून से उसको खिलाइए और दूसरे स्पून से उसको एक्सप्लोर करने दीजिए, वो जो भी कर रहा है। अगर वो खुद से ट्राई कर रहा है तो बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट जो चीज़ सिखानी है वो है उनको क्रेयॉन्स दीजिए, उनको व्हाइट बोर्ड दीजिए, उनको सिंपल क्रेयॉन्स के कलर दे सकते हैं आप उनको स्क्रिबल करने के लिए। उनका जो मोटर मूवमेंट होता है, जो हाथ का मूवमेंट होता है, वो इम्प्रूव होता है उस चीज़ से। यूज करेंगे जितना जल्दी आप उनके हाथ में कलर पकड़ाएंगे, कलर पकड़ना या फिर पेन पकड़ना जल्दी सीखेंगे। जब भी आप क्रेयॉन्स देते हैं तो हमेशा अपने सुपरविजन में ही दीजिए, क्योंकि बच्चे उसको खाना चाहते हैं। अगर आपके पास व्हाइट बोर्ड है तो आप व्हाइट बोर्ड दे सकते हैं मार्कर के साथ, वो उनको उससे खेलने दीजिए। उसको प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं है, हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की सीखने की स्पीड अलग होती है। इसमें जो मैटर करता है वो है एक्सपोजर। आप जितना जल्दी बच्चे को एक्सपोज करेंगे उस चीज़ से, वो बच्चा उतना ही जल्दी हर चीज़ सीख जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ आप उनको सिखा सकते हैं वो है बॉडी पार्ट्स, वो उनको आना चाहिए। आइज, 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 यस, ईयर्स, ईयर्स, हेड, हेड, वेरी गुड, वेयर इज योर नोज, वेयर इज योर नोज, एंड आइज, आइज, माउथ, माउथ, अरे वाह, ईयर्स, ears, ears, baby, where is your nose? Yes. Where is your head? Head. Show your head. Yes. Show your eyes. Show your. नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो है उनको राइम सिखाना है। राइम सिखाने से मेरा मतलब है कि उनको टीवी नहीं दिखाना है, उनको राइम्स दिखाना नहीं है, आपको राइम्स गाना है या फिर राइम्स की जो बुक्स आती हैं आपको वो उनको दिखाना है। तो अगर आप राइम्स की बुक दिखाएंगे, बहुत सी राइम्स की बुक्स ऐसी आती हैं जिसमें कि फ़ोटोज़ भी बने होते हैं और राइम्स भी लिखा हुआ होता है, तो आपको राइम्स पढ़ना है, वो फ़ोटोज़ देखेगा उसको, वो आप जितनी बार ये चीज़ करेंगे तो जब उसको धीरे धीरे करके बोलना आएगा तो वो राइम्स भी बोलना सीख जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आपको करनी है वो है कलर सिखाना है उनको। आप कलर सिखाने के लिए आपको सिंपल सी चीज़ आप कर सकते हैं कि अगर आपके पास कुछ टॉयज़ हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, आप उनको इस तरह से इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि मेरे लिए येलो टॉय लेकर आओ, तो वो अगर गलत टॉय लेके आता है तो आप उसको दूसरे कलर का ऑप्शन दे सकते हैं। चॉक लेके आओ, मम्मा को दो, यस, वेरी गुड, वो ऑरेंज कलर का टॉय लेके आओ, वो ऑरेंज कलर का। बहुत से जो कलर के फ्लैश कार्ड्स आते हैं आप उनको वो दिखा सकते हैं, इसमें भी आपको राइम्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों को। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आप उनको सिखा सकते हैं वो है उनका ही मेस जो है वो क्लीन करना, या फिर छोटे मोटे चीज़ें जैसे टॉयज़ अरेंज करना। और ये चीज़ उनके लिए काम नहीं होता है, इस चीज़ को वो इन्जॉय करते हैं कि एक बैग में वो सारे टॉयज़ भरते हैं धीरे धीरे करके, फिर वो उसको खाली भी कर देते हैं। लेकिन आप उनको सिखा सकते हैं कि इस तरह से आपको टॉयज़ अरेंज करके रखना है, तो वो धीरे धीरे करके सीख जाए।
जाएगा इस चीज़ को। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगेगा कि इतने छोटे बच्चे को सिखाकर हम करें क्या, हम तो उसका टॉयज रख सकते हैं, लेकिन हम आपको उनसे काम नहीं करवाना है, आपको उन्हें सिखाना है कि उनका जो मेस है वो कैसे क्लीन करना है, कैसे किसी चीज़ को स्टैक करके रखना होता है, कैसे किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखना होता है। ये चीज़ों का भी एक्सपोजर यंग एज पे ही होना चाहिए बच्चों को। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है नो स्क्रीन टाइम। 2 साल से कम बच्चे का 0 स्क्रीन टाइम होना चाहिए, उनको बिल्कुल भी स्क्रीन नहीं दिखाना होता है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, आप कितना भी बिजी हैं, आपको आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा है या कोई भी रीज़न है आपके पास, आपको उनको राइम्स टीवी पर नहीं दिखाना है, मोबाइल पे नहीं दिखाना है। तो आप कैसे भी उनको एंगेज कर सकते हैं, उनको एंगेज करने के लिए बहुत सी एक्टिविटीज़ आती हैं। आप उनको पज़ल्स दे दीजिए, आप उनको प्लेडो दे दीजिए। प्लेडो जो घर के बने हुए प्लेडो होते हैं, उस पर भी मेरा एक वीडियो है कि घर का बना हुआ प्लेडो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो कैसे बनाते हैं। बिल्कुल एडिबल प्लेडो होता है, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी नहीं होता है, बच्चों के लिए सेफ प्लेडो होता है। तो आप इस तरह की चीज़ें उनको दे सकते हैं। मेरे बच्चे को अगर मैं वाइट बोर्ड दे देती हूँ तो उससे ही वो 15 मिनट्स निकाल लेता है। उसके बाद जो चीज़ आती है वो है फ्लैश कार्ड्स। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैश कार्ड्स आते हैं मार्केट में, जैसे कि एनिमल्स के फ्लैश कार्ड्स आते हैं, बड़े बड़े फ्लैश कार्ड्स आते हैं, जो ABCD के फ्लैश कार्ड्स आते हैं। 1.5 साल के बच्चे को ऑब्वियसली ABCD नहीं आएगा, लेकिन जो उसमें फ़ोटोज़ होते हैं आप उनको दिखाएंगे तो वो आइडेंटिफाई कर लेंगे। हो सकता है कि वो बोल ना पाए, लेकिन अगर आप उनको बार बार, जैसे आप अगर आप उनको बार बार काऊ दिखाकर काऊ बोलेंगे तो वो ट्राई करेंगे काऊ बोलने का, कि वोकैबुलरी भी अच्छी होगी, उनको बोलना भी आएगा। What is this? Dog. Puppy. Dog. Cat. Dog. This is cat. Dog. Giraffe. Cow. 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 Bolo cow. बेसिकली 2 साल से कम बच्चे को जब हम बोलना सिखा रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें आप डिपेंड करती हैं कि आप कितने इंटरैक्टिव हैं अपने बच्चे से, आप अपने बच्चे से कितना बात कर रहे हैं तो बच्चा भी उसी तरह से बात करता है। आपको लग रहा है कि बच्चा आपकी बातें नहीं समझ रहा है, लेकिन वो आपके वर्ड्स कैच करता है और वो बोलना सीखता है। 2 साल से कम बच्चे को बहुत ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन बच्चे से इंटरैक्ट करना ज़रूरी है, बच्चे से बात करना ज़रूरी है, बच्चे को जो सोशल नॉलेज है वो देना ज़रूरी है। तो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा हेल्प मिला होगा। अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।